यार आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया यार, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, कितना अच्छा है यार। घंटा हो रही पढ़ाई ऑनलाइन। जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता वो क्या ऑनलाइन पढ़ेगा? लगता है तुझे ऐसा सच में हो सकता है? क्योंकि जब एक फोन खुलता है ना, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें एक साथ दिखते हैं और 90% चांस होते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो पढ़ाई ही ना करे। ऐसा कैसे कह सकता है भाई तू? भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइंस कहता है। साइंस ये कहता है कि हमारे ब्रेन में 75% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब जो अडल्ट है, अडल्ट को इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि सही क्या है और गलत क्या है। ब्रेन हमेशा प्लेजर के पीछे भागता है, हमेशा ब्रेन चाहता है कि उसे खुशी मिले, उसे प्लेजर मिले, उसे काम ना करना पड़े। और 100% में से 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बात सही है, पर यार टेक्नोलॉजी का जमाना है, किसने सोचा था मोबाइल हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा? मतलब अगर कोई भी इंसान घर से बाहर जाता है ना, अगर उसके पास मोबाइल नहीं है मतलब वो इस दुनिया में ही नहीं है। इस तरीके से मोबाइल हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए चली कि लोगों को मोबाइल की नीड थी। अगर हमें किसी भी चीज की नीड नहीं होती है ना, वो टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। भाई तू ऐसा कैसे कह सकता है? डू यू हैव एनी प्रूफ? देख, 2013 से 2014 को लेकर गूगल ने गूगल ग्लास लॉन्च किया, और वो गूगल ग्लास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी लैस था, मतलब जो भी आप फोन में करते हो वो आधी चीज आप उस गूगल ग्लास में कर सकते हैं। मतलब आपको एक चश्मा पहनना था, आपको लोकेशन यहाँ दिखाई देगी, फोन आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, उसका मैसेज दिखाई देंगे, और सब कुछ आपको टाइम से लेकर वेदर से लेकर हर चीज आपको सिर्फ एज अ टाइप ऑफ VR के थ्रू आपको दिखाई देगा, मतलब 3D में आपको दिखाई देगा। पर क्या हुआ उसका? गूगल का आज तक का सबसे बड़ा फेलियर था वो, क्योंकि लोगों को उसकी नीड ही नहीं थी। बट व्हाट अबाउट ऑनलाइन पेमेंट? जब से ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हुआ है ना, तब से ऑनलाइन फ्रॉड भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट इज बैड, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है और इससे काफी लोग की हेल्प भी होती है। पर इंडिया में मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट तो है पर उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कि आखिर ऑनलाइन पेमेंट इतना सक्सेस कैसे हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि लोग को उसकी नीड थी, लोग पैसे लेकर मीलों किलोमीटर दूर तक जाते थे। हर सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, किसी ना किसी चीज के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। यस यू आर राइट, ऑनलाइन बेस्ट है यार, तुम घर बैठे बैठे कुछ भी सीख सकते हो। तुम्हारे पास गूगल है, यूट्यूब है, तुम कुछ भी सीख सकते हो घर बैठे बैठे। इसके वजह से बहुत लोग की जिंदगी आबाद भी हो गई है। आबाद तो किया ही है पर बर्बाद भी कर दिया है। बर्बाद कैसे? देख, हम कोई भी वेब सीरीज या कोई भी मूवीज देखते हैं ना, उसका इफेक्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन में पड़ता है, ब्रेन उसे रियलिस्टिक समझने लगता है। चल मुझे पता था तुझे भरोसा नहीं होगा, तभी मैं साइंस का सहारा लेता हूँ। जो पॉर्न है, पॉर्न वीडियो जो होती है वो बैन क्यों हुई है? मतलब इंडिया में मोस्टली जगह पॉर्न वीडियो बैन है। पॉर्न वीडियो बैन करने का रीजन थे रेपिस्ट। रेपिस्ट को जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि हमने जो भी वीडियोस में देखा उसको हमने रियल में करना था। तो इस वजह से इंडिया में बहुत ही सारी रिसर्च हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि पॉर्न को बैन किया जाएगा। पर इसमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की गलती थोड़ी ना है, ये तो इंसान की गलती है। टेक्नोलॉजी की तो आज भी गलती नहीं है, ना कभी होगी, क्योंकि इंसान के पास जब तक ये ब्रेन है तब तक टेक्नोलॉजी की गलती हो ही नहीं सकती है। तो ये बोल रहा था ना, एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी फेल हो जाती है अगर लोगों को इसकी जरूरत ना हो, तो तू ये कैसे बोल सकता है? कोई प्रूफ तो दे। देख, मुझे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद है। अगर किसी का काम खराब ना कर सको तो उसका नाम खराब कर दो, आजकल यही चल रहा है। चल एक बात बता, जो नैनो कार थी वो आखिर फेल क्यों हुई? जो वो भी टाटा की थी, इतने कम प्राइस में टाटा नैनो जैसी गाड़ी तुम्हें मिल रही थी जिसमें 4 लोग बैठकर जा सकते थे। इस रेट में तो आजकल स्कूटी आती है। अब मैं इसको सबके लिए बोलूं कि जैसे बहुत सारे ब्रांड थे भी इसके पीछे थे कि उसका नाम खराब कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली लोग के मन में ये डाल दिया कि जो नैनो गाड़ी है वो मतलब लो क्लास के लोग खरीदते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते वो लोग नैनो जैसी गाड़ी खरीदते हैं। इस वजह से जो टाटा नैनो है उसका नाम खराब हो गया। अगर उसका नाम खराब हुआ, उसका काम ऑलरेडी खराब हो गया। चल मुझे तू बता कि तुझे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी पसंद क्यों है? यही पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है यार, और इंडिया का भी फ्यूचर है। अब जैसे फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटावर्स रख दिया। मेटा का मतलब क्या होता है? मतलब एक वर्चुअल रियलिटी। आने वाला टाइम पूरा वर्चुअल हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, यहाँ तक कि करेंसी तक ऑनलाइन हो जाएगी। हाँ, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि ऑनलाइन का जमाना है, अब फ्यूचर भी हमारा ऑनलाइन ही जैसा होगा, पर हमें इसके साइड इफेक्ट के लिए भी तैयार होना होगा। जैसे देख, ऑनलाइन सिर्फ जमाना ही नहीं होता है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी नॉलेज और हमारे थॉट्स, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन थॉट्स? देख, ऑनलाइन हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग एक दूसरे के पैर छूते थे, फिर क्या हुआ, फिर नमस्ते करने लगे, फिर क्या हुआ, फिर हेलो पे आए, फिर क्या हुआ, फिर गुड मॉर्निंग पे आए, अब क्या होता है, और भाई क्या हाल है, बस दूर से ही भाई।
तो गाइस इसमें पूरे डिबेट का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो टेक्नोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती है, उसे ऑपरेट करने वाले गलत होते हैं। और ये बात तो सच है कि ऑनलाइन का जमाना है, अब ऑनलाइन ही सारी चीजें होने लगी है। पर एक बात हमेशा याद रखना, खुशियां कभी ऑनलाइन नहीं मिलती है, वो ऑफलाइन ही मिलती है।